हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे घर में नेक्स्ट मंथ है शादी, तो वाइट वॉश का काम शुरू हो गया है और बाहर हो गया है ऑलमोस्ट। अब अंदर के दो रूम रह गए हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ कितना फैला हुआ है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये सामान सब फैला हुआ है, क्योंकि जो है सारा सामान निकाल के ही जो है वाइट वॉश कराएंगे। यहाँ पर हो गई, ये सब एरिया हो गया है और अंदर हो रही है। और ये वाला रूम बाकी है अभी, इसके बाद मतलब उसके बाद ये वाला रूम हो जाएगा। तो ये रूम बाकी है जो है बाहर की हो गई थी, क्योंकि बाहर का इजी रहता है, कुछ सामान वगैरह नहीं शिफ्ट करना पड़ता है, बट रूम में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो सारे रूम हो गए हैं, वो वाला हो रहा है और ये वाला बचा है जहाँ मैं इस टाइम हूँ। तो मैं दिखाती हूँ ड्राइंग रूम आपको। तो ये किचन में पेंट हुआ है और अभी सूख रहा है ये पेंट। ड्राइंग रूम कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स, ये देखिए बहुत अच्छा पेंट हुआ है और बस सूखने में थोड़ा सा टाइम लेता है। तो ये देखिए सब लगे हैं काम में, और दीदी बेचारी मेरी बहुत हाथ दर्द करने लगा और कोई हेल्प करने के लिए नहीं है, तो बहुत मुश्किल होता है जब ये वाला काम स्टार्ट होता है घर में। कोई फेस्टिवल हो या कोई शादी हो तो सबसे पहले यही काम होना है। और किचन जब जाती है तो बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि किचन में तो खाना वगैरह कैसे बनाएंगे हम लोग, हो जाएगा सब। तो फ्रेंड्स, ये वाइट वॉश ख़त्म हो जाएगी दो चार दिन में, तो हम लोग थोड़ा सा फ्री हो जाएंगे। और दो दिन बाद हमारे बच्चे का मुंडन भी है, तो वो भी आपको दिखाएंगे। और मुंडन हम लोग क्यों करवा रहे हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि इतना छोटा सा बच्चा है, आप लोग यही सोचोगे कि इतने छोटे से बेबी का मुंडन करवा रहे हैं, तो उसके पीछे भी एक कारण है, तो वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। बने रहिए हमारे साथ। तो फ्रेंड्स, वो भी कंप्लीट हो गया है और ये बाहर का पोर्शन रह गया है अभी वाला, इतना रह गया है अभी, तो धीरे धीरे सब हो जाएगा। मौसम भी बहुत, जान ही रहे हैं आप लोग कि बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो ये सब देख सकते हैं।